हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ ना बहुत एक प्रॉब्लम रहता है, मेरे साथ ही नहीं शायद सबके साथ होता होगा। मुझे तो मेरे पास ना बहुत कम आईब्रो है यहाँ पे, और इसको मुझे ड्रॉ करते करते या इसको मुझे मेकअप करते करते बहुत लेट हो जाता है, और ऊपर से मुझे बनाना भी नहीं आता, जो कि बहुत अजीब से मैं बनाती हूँ। आप देख सकते हो अभी भी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा है। और इस पर मैंने ना कुछ आईब्रो पाउडर मिक्स कर दिया और कुछ आईब्रो पेंसिल के साथ में, फर्स्ट आईब्रो पेंसिल को लगाया, फिर मैंने आईब्रो पाउडर मैंने इस पर ऐड करके थोड़ा बहुत आईब्रो मेरा नज़र आ रहा है, जो कि जब मैं आईब्रो कुछ आईब्रो पेंसिल या फिर आईब्रो पाउडर जब मैं अप्लाई नहीं करती हूँ तो बिल्कुल खाली लगता है, जो कि बहुत ही वियर्ड शक्ल बना देता है आपको। आप बहुत ही अजीब लगते हो या अगर आपका ये आईब्रो नहीं रहता है तो। अगर स्पेशली आप सब जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी सारे व्यूवर्स होते हैं सब लड़कियाँ होते हैं, तो मुझे ये सब करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो इसीलिए मैंने अपने लिए कुछ परचेस किया है जो कि मीशो से बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में मैंने ली है, बहुत ज़्यादा कम है इसका प्राइस। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको ये परचेस करना है तो। सबसे पहले तो मैं इसको खोलूँगी और आप सबके साथ रिव्यू शेयर करूँगी सच में क्या ये काम करता है या फिर ये ऐसा ही मतलब दिखावा है। सबसे पहले तो मैं इसको लगाऊंगी आप सबके सामने, और अगर आप और अगर ये वर्क करता है तो आप सभी अपने लिए ले सकते हैं, जो कि मेरी तरह जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेरे पास बिल्कुल भी आईब्रोज नहीं है, एकदम खाली है। जो तोरा मोरा है वो भी एकदम येलो कलर के है, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिखता दूर से, तो और भी खाली दिखता है। तो ये प्रोडक्ट्स को मैं आप लोगों के सामने ट्राई करूँगी, लगा के देखूँगी, अगर आपको अगर ये वर्क करता है तो आप सभी अपने लिए ले सकते हो। तो चलिए आप इस प्रोडक्ट्स की रिव्यू कर लेते। तो मैंने ना इसकी पैकेजिंग पहले से खोल दी थी, जो कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी ये प्रोडक्ट्स को रिसीव करने के लिए, तो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जो कि ये बहुत प्रॉब्लम वाला चीज़ है। आप जब देखते हो तो बहुत आसान लगता है, पर जब इसे बनाते हो ना सच में बहुत जान निकल जाती है। और ये कुछ इस तरह का पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी हुई है, इस तरह से आप लगा सकते हो, और यहाँ पे स्टेम वगैरह का डायरेक्शन आपको या कैटलॉग्स दी गई है, आप इस तरह से लगाएंगे बोल के। ओपन करते हैं, ये कुछ इस तरह का था। और यहाँ पे एक ये ब्रश मिला, और ये कुछ ये आईब्रोज के डिज़ाइन है, आपको अपने सेव को मिला के आपको जो आपका सेव है आप वो लेके लगा सकते हो, देख सकते हो ये। चलिए इसको बस हटाते हैं, ये पहले से कटा हुआ है, ये पहले से कट करके रखा है, आपको कट करना ज़रूरी नहीं है, जो कि वो सेव जो आपका आईब्रो सेव पहले से प्रोवाइड की जाती है। मैं अपने आईब्रो सेव पहले मैच करके देखती हूँ, हाँ शायद ये नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कौन सा लो, ये भी नहीं है मेरे आईब्रो से, ये थोड़ा मिलता जुलता है। चलिए इससे ट्राई करके देखती हूँ, बिल्कुल मेरा आईब्रो सेम सेफ तो नहीं है, फिर भी ट्राई करके देखती हूँ शायद ये हो जाए। और इसके यहाँ पे इसको खोल के देखती हूँ एक बार, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आपको स्टेम मिल जाएगा ये, और शायद यहाँ पे पाउडर है, पाउडर शायद आप इसे पाउडर है, आप इस तरह से टिप करेंगे, टैप करके आप इससे शायद इसके कलर आता है, मुझे पता नहीं। मुझे सबसे पहले तो अपना आईब्रो वॉश करना पड़ेगा, बहुत ही वियर्ड शक्ल आने वाला है, आप सब डर के भागना नहीं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर ये काम करता है तो आप अपने लिए भी परचेस कर सकते हैं। तो मैंने अपना आईब्रो वॉश कर दिया, आप देख सकते हो इतनी वियर्ड है मेरे आईब्रो, देखिए कुछ भी नहीं है, अभी भी कुछ कुछ कलर थोड़ा सा है, अगर जब विदाउट कलर के आप देखोगे ना आप चौंक जाओगे, बहुत ही अजीब शक्ल बन जाती है मेरी, जो कि दूर से तो और भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और बट ट्राई करेंगे अभी इस प्रोडक्ट को आप सब। आईब्रो सेव कौन सा लूँ, ये अजीब लग रहा है, मैं इससे ट्राई करके देखती हूँ, ये भी अजीब लग रहा है, एक भी मेरे आईब्रो सेव का नहीं है, जो कि एक भी मेरा आईब्रो सेव का नहीं है। तो फ्रेंड्स, जितने भी जो साइड में आपको आवाज़ें आ रही है प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा,
पता नहीं, जब भी मैं कैमरा लेके कुछ शूट करने के लिए बैठ जाती हूँ तभी सारे कवारी वाले, सारे कॉलोनी वाले, तभी सभी को हला करना होता है। और मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, इन सब की शोर शराबा ख़त्म ही नहीं होता है। मैं वेट कर करके बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसे ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है। जब जब मैं कैमरा लेके बैठ जाती हूँ तभी इन लोगों के शोर शराबा शुरू हो जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मेरा आईब्रो शेप का तो बिल्कुल भी नहीं है, पर ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, ये काम करता है कि नहीं। बस प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, आईब्रो शेप के ऊपर बाद में देखेंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। कुछ शायद दुकान में इसका कुछ सिंगल पीसेस मिल जाए आईब्रो शेप का। अभी मैं ऐसे ही ट्राई करके देखती हूँ, ये मेरा शेप का तो नहीं है, फिर भी ट्राई करके देखती हूँ। ये मैं टैप कर रही हूँ, लगा के देखती हूँ काम करता है कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये तो। ये तो नहीं लग रहा है, कलर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, गिर गई। ये क्या हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है या फिर ये ऐसा ही है। सर मेरी ये प्रॉब्लम जो ना सॉल्व नहीं होने वाली है, आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसकी जो पाउडर है ना ये बिल्कुल भी इस स्टैम्प में ना टैप नहीं हो रहा है, इसके कारण शायद ये नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रही है। अब मैं टैप करके देखती हूँ। अब ये शोर शराबा को अवॉइड कीजिए, मैं कब से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इन लोगों का शोर शराबा खत्म ही नहीं होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ये नेचुरल वाला और ये जो अभी जो कलर किया है, बट ये नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्यों जम गया या फिर क्या हो गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं फिर से एक बार चेक करके देखती हूँ, इसके अंदर में पाउडर है लेकिन ये साइड वहाँ तक नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों। अगर आपकी कलर वहाँ तक डिप हो जाएगी तो पाउडर तक आपकी अगर ये स्टेम पहुँच जाती है तो हो जाएगा लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत मतलब नेचुरल वाला से इतना बेटर लग रहा है, बट इतना इसमें कलर लग ही नहीं रहा है। कलर है अंदर में, बट ये जो है ये बिल्कुल भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, पता नहीं अब इसको कैसे करूँ। कलर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मेरा आईब्रो में, थोड़ा बहुत लगा है बट इतना नहीं, मतलब इतना यूजफुल नहीं है ये प्रोडक्ट। अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करता है, जैसा आपको दिखाया गया है फोटो में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार ट्राई करके देखती हूँ, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अगर आप इतना मेहनत करोगे तो उससे अच्छा आप आईब्रो पेंसिल लीजिए और आप फर्स्ट ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप ये डाल सकते हो आईब्रो पाउडर सेट करेंगे तो जो मेरा जब आगे बिना वॉश से पहले जो मेरा मेकअप था जो यहाँ का वही बेटर था। अगर इतना इसमें टाइम लग रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेके, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। ऑर्डर करना है तो बिल्कुल ऑर्डर मत कीजिए, वो एकदम बकवास है, ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। इतना बार मैंने ट्राई कर लिया बट कुछ नहीं हो रहा है इससे। तो बस गाइस यही थी मेरी आज की, इसको बस ऑनेस्ट रिव्यू देने की थोड़ी कोशिश की है। तो ये थी मेरी आज की ऑनेस्ट रिव्यू,
मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।